हरे कृष्णा वेदांत चेतन प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेदांत चेतन प्रभु जी, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे स्कॉन नोएडा के वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रभु जी अनेक सेवाओं में लगे हुए हैं और हमारी भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। प्रभु जी हमारे भी काउंसलर हैं, तो प्रभु जी का आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हृदय के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी। इस अवर कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया, रजिस्ट्रेशन तो 100 लोगों ने किया, वो अभी लास्ट का सेशन चल रहा है 1.5-2 घंटे से, तो काफी कम हो गए लोग। अभी हम भगवत गीता का जस्ट अभी शुरू करने वाले थे, और जैसा हम आपको बता रहे थे कि हमने सर्वे किया था लगभग 200 लोगों पे, और हमने पाया कि चिल्ड्रंस के की तो बात छोड़िए, बड़ों को भी रामायण के कैरेक्टर, रामायण के बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा कि समाज की दिशा कुछ ज्यादा ही दुर्दैव हो रही है। तो भगवत गीता में हमेशा भगवत गीता के स्कॉन में भगवत गीता के बारे में ज्यादा चर्चा होती है, तो हमने इस बार रामायण को भी इंक्लूड किया क्योंकि राम और बाकी कैरेक्टर भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो हमने शॉर्ट में उसको भी किया है और कोशिश की है कि क्विज के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से हम उस स्टोरी को फिर से रिवाइव कर सके, उनसे कुछ टीचिंग्स ले सके। तभी बहुत से लोग जो है वो अपना आशीष वचन दे रहे थे, और मेरी मदर का भी आशीष वचन आ रहा था बनारस से क्योंकि काफी जगह से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बाहर से भी ज्वाइन किया है, बिहार है, झारखंड है, बॉम्बे है ना, वहां सब लोग ने ज्वाइन किया है। और मेरी मदर को भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली रामायण बहुत पसंद आया, राजेश्वरी माता जी ने उनको बहुत अच्छे से दिया। तो हमारा प्रयास है इस समर कैंप के द्वारा, जैसा कि आपका इंस्ट्रक्शन है, गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, कि हम कृष्ण भावना मृत के द्वारा वैल्यू एजुकेशन भी दे, कि विदाउट वैल्यू हमारा वही भी उद्धार नहीं। तो मानव जीवन करेक्टर बिल्डिंग के लिए है जो आजकल नहीं दिया जा रहा है, उसके भाव में हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन है ना, कितनी तरह की चीजें हैं, स्ट्रेस है, बच्चे कॉपरेट नहीं कर पा रहे, मदर फादर को भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो अगर हम सही वैल्यू सिस्टम से सीखते हैं तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। तो आप कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का कितना इम्पोर्टेंट है, इस वैल्यू एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट है। ओवर टू ऑलरेडी वेदांत। 1.5 घंटे से चल रहे हैं। यस प्रभु जी, 4:30 शुरू हो गया था, लोग 4:15 तक शुरू हो चुके थे। अच्छा, तभी भी क्षमता रखते हैं सुनने आई की। डोंट नो, आपसे बूस्टअप हो गया, राधा कुंड प्रभु ने भी बूस्टअप किया अब आपसे। जिस हम इतना कहना चाहते हैं, जैसा रामायण के विषय में आप सुन ही रहे थे, उसी रामायण के संबंध में एक संदर्भ हम बताते हैं। बाकी जब सीता मैया वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी, ये रावण के अंत होने के उपरांत की बात है। तब वैसा रामायण वृत्तांत होने के पहले से ही वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना कर चुके थे। रामायण रामायण की रचना पहले से हो चुका था, फिर उसके बाद रामायण की कथा होने लगी। तो वैसा पूरा रामायण कथा के समाप्त होने के उपरांत वाल्मीकि ऋषि सोच रहे थे कि मैं इतना सुंदर काव्य तो लिख तो दिया, बट इसके विषय में तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, कौन बताएगा सभी को। इस प्रकार से सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, कौन कौन करेगा, कौन प्रचार प्रसार करेगा। जब इस प्रकार से सोच ही रहे थे, उसी समय वाल्मीकि ऋषि की आंखों के सामने से ये लवकुश, जो कि सीताराम के पुत्र है, लवकुश, ये दोनों खेलते खेलते उनके आंखों के सामने से जा रहे थे। फिर तुरंत उनके मन में ये बात आई कि लव कुश बिल्कुल ही उपयुक्त है इस कार्य को निभाने के लिए, एंड वही सही लोग हैं जो कि इसकी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सही माध्यम है जो इसकी प्रचार प्रसार करने के लिए। इसलिए फिर लव कुश को बुलाया
फिर लव कुश को बिठाया, फिर लव कुश को पूरा रामायण पढ़ाए थे, एंड फिर लव कुश एक ही बार में पूरा रामायण को याद कर लिया और संगीत भी सीखे हुए थे। इसलिए रामायण की श्लोकाएं अनुष्टाप छंद में लिखी गई है, एंड ये अनुष्टाप छंद में लिखा हुआ सबसे पहला शास्त्र है। फिर उसके उपरांत जितने भी शास्त्र लिखी गई हैं मोस्टली इसी छंद में लिखा गया था, एंड इस छंद को गाया भी जा सकता है। इसलिए फिर ये लवकुश की जो संगीतमय रामायण की गान सभी लोगों को बहुत पसंद आया करता था। देन फिर वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया, एक समय आप लोग इसी प्रकार से रामायण कथा करते 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 इस रामायण की जो हीरो है उन्हीं के सामने इस रामायण की कथा आप सुनाने लगेंगे। इस प्रकार के आशीर्वाद दिया, शायद उनके आशीर्वाद को पूरा करते हुए क्यों न हो फिर इस रामायण की गान करते करते लवकुश एक समय पर अयोध्या में पहुंच जाते हैं। फिर अयोध्या में भी प्रचार प्रसार करने लगते हैं, फिर अयोध्या में सभी की सभी अयोध्या वासी वो भाव विभोर हो जाते हैं रामायण की कथा सुनकर। हालांकि उन्हीं उसी राज का कथा था, बट फिर भी उनका भी मन को इतना आकर्षित करने लगे कि वे भी खो जाते थे इस रामायण की कथा की गान में। इस प्रकार से जब ये बात धीमे धीमे सभी लोगों को पता चलने लगा, ये बात धीमे धीमे भगवान श्री राम के कानों में पहुंच गया कि लवकुश जो है अयोध्या में आकर रामायण की कथा कर रहे थे करके। देन राम जी की इच्छा हुई कि हमें इस रामायण की कथा सुननी चाहिए। देन फिर राम जी ने अपने दरबार के अंदर सभी मंत्रियों को और अपने परिवार के सदस्यों को सभी लोगों को एकत्रित किए थे, एंड फिर वहां पर लव और कुश को वहां पर बुलाए बुलाए थे। देन फिर वहां पर बुलाकर फिर वहां पर उनको उनसे रामायण कथा की गान करवाने लगे थे। जब इस प्रकार से ये होने लगा तब राम जी वे सिंहासन पर बैठ बैठ कर वो सुन रहे थे। तब रामायण की कथा शुरुआत हुआ था, ये लवकुश इतने भाव से और इतने सुंदर संगीतमय ढंग से वो लोग रामायण सुनाया करते थे कि राम जी भी इतने पारवश हो गए उस कथा में, वो लगभग खो गए थे और फिर राम जी को होश नहीं रहा कि वो कहाँ बैठ रहे थे। वो धीमे धीमे उनको पता ही नहीं चला वो कब सिंहासन से नीचे उतरने लगे। सिंहासन से नीचे उतर के धीमे धीमे एक एक सीढ़ी ऐसे ऐसे उतर के उतर के उतर के फाइनली जमीन पर बैठने लगे थे, जहां पर हालांकि एक वक्ता जब प्रवचन देते हैं उनका नीचे बैठकर सुनना होता है, फिर यहाँ पर राम जी ऊपर बैठकर सुन रहे थे। फिर उनको लगा कि ये सही हुआ, मैं अभी नीचे आकर बैठकर सुन रहा हूँ करके। तो उस प्रकार से भगवद गीता जैसा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच की संवाद था, वैसे ही रामायण ये लव कुश और राम जी के बीच के संवाद है। तो जिस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहे थे भगवद गीता, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम परीक्षित महाराज जी सुनते हैं, और वैसे ही रामायण लवकुश रामायण की कथा की गान करते हैं और स्वयं श्री राम ही श्रोता बनकर सुनते हैं। तो इस संदर्भ से ही रामायण की शुरुआत होती है। तो लवकुश किस प्रकार से राम जी को ये रामायण की कथा सुनाने लगे थे, तो वैसा जिस प्रकार से लवकुशों ने अपना बचपन की अवस्था में ही रामायण की कथा सीखकर प्रचार प्रसार करना शुरू किया, उसी प्रकार से आप सभी भी लवकुश की तरह, जिस प्रकार से लवकुश भी तो भगवान का ही संतान है और हम भी भगवान का ही संतान है, उन्हीं की तरह हम भी ये रामायण की कथा हो भगवद गीता हो सीख कर हमें भी इसकी प्रचार प्रसार करनी चाहिए। तो आप लोग अच्छा से सीखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रकार से यहाँ पर समझाए रहे, एक विनोदास्पद रूप से भी एक एंटरटेनिंग तरीके से सिखाए जा रहे। सो प्लीज आप सभी लोग सीखिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस माता जी, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो अनुप्रणाम। हम हिजगिरिस वेदांत चंद्र प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके प्रभु जी ने हम लोग के इस समर कैंप में आए और हमें बताया कि हम भगवान रामायण में भगवान के नाम का प्रचार, भगवान की कथाओं का प्रचार किस तरह करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर कमिंग। हम प्रभु जी के लिए सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जोर ध्वनि से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।